Okay, you know that history optional has two papers in UPSC examination. One is paper 1. Paper 1 is ancient and medieval India, and paper 2 is about modern and world history. Hello student, welcome to Pluto Science. I am Dr. Jitendra Kumar, history faculty at this institute. Today we are going to discuss one of the important topic of history optional, world history topic. Okay, you know that history optional has two papers in UPSC examination. One is paper 1. Paper 1 is ancient and medieval India, and paper 2 is about modern and world history. So world history mein takriban there are about 10 chapters. Okay, in that 10th chapter, one of the last chapter of the world history is the decolonization chapter. The chapter name is Decolonization and Liberation from Colonial Rule. So first of all, today we will understand what is decolonization and where are these decolonization process happen across the world. ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे. This chapter is one of the lengthiest chapter of the history optional paper, in which at least one or two questions have been asked every year in the UPSC history optional examination. मतलब अगर आप ये chapter कर लेते हैं अच्छे से और कुछ अच्छे चैप्टर को समझ लेते हैं, सो यू विल बी एबल टू आंसर एटलीस्ट वन और टू क्वेश्चन इन द हिस्ट्री ऑप्शनल ऑप्शनल पेपर टू एग्जामिनेशन. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दैट व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर, हाउ दिस प्रोसेस हैपन, व्हाट इज डिकोलोनाइजेशन और ये कैसे स्टार्ट होता है. सो आपको पहले पता है दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन. कोलोनाइजेशन मतलब होता है दैट एनी कंट्री इफ दे वांट टू कोलोनाइज एनी अदर कंट्री फॉर देर इकोनॉमिक पर्पस. मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री किसी भी देश को ट्रेड पर्पस से एक कॉलोनी बनाती है और उस पर अपना अधिकार जमाती है इकोनॉमिकली फॉर ट्रेड पर्पस, दिस विल बी कॉल कोलोनाइजेशन. और ट्रेड पर्पस के बाद अगर कोई भी कंट्री पॉलिटिकल रूप से उस देश पे अपना अधिकार बना लेती है तो उसे हम कहते हैं इंपीरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद. तो आपने समझा दैट कैसे इंपीरियलिज्म में सब था, ब्रिटेन इसमें सबसे आगे था. इफ़ आई टॉक यू द फर्स्ट कंट्री हु कोलोनाइज सम नेशन वाज पोर्टुगीज. सो इट वाज पोर्टुगीज, देन स्पेन, देन फ्रेंच, देन वी हैव डच, इंग्लिश एंड ऑल दिस कंट्रीज आर इम्पोर्टेंट. पूरी दुनिया जो था यूरोप के छोड़ के अगर आप बात करें, द होल्ड वर्ल्ड वाज कॉलोनाइज बाय द यूरोपियन पावर्स. होल्ड वर्ल्ड आई मीन टू से दैट यूएसए वाज आल्सो अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन बिफोर दैट, कनाडा वाज आल्सो अ कंपनी, होल लैटिन अमेरिकन कंपनी, द साउथ अमेरिकन कंट्रीज वर द पार्ट ऑफ कॉलोनियल एम्पायर ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज ओनली. देन होल अफ्रीका वाज अ पार्ट ऑफ कॉलोनी. देन होल एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, China, Japan, these all countries were a part of colonies. Okay, so these all things happened especially in the 15th, 16th, 17th century. But do you know by the time of especially 19th century and late by the time of the early 20th century, the process of decolonization is started. Decolonization मतलब क्या होता है student? Decolonization का मतलब simple होता है. Colonization मतलब किसी भी country पर अपना अधिकार जा पाना. Decolonization मतलब उस अधिकार को खत्म करना. So decolonization, the simple other meaning of decolonization is the independence of other countries. कोई भी देश जो है independence होने लगता है. So we will basically understand that how this decolonization process happened. और डिकोलोनाइजेशन होने का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, क्या रीजन था, क्यों पूरे वर्ल्ड जो एक कॉलोनी थी, जो इफ वी टॉक अबाउट अमेरिका, इफ वी टॉक अबाउट साउथ अमेरिका, होल अफ्रीका, होल एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब कॉलोनी थी. सो ऐसा क्या हुआ 20th सेंचुरी में जिससे ऑल दिस कॉलोनीज बिकम इंडिपेंडेंस, मतलब ऑल द कंट्री गॉट द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन, सबके सब आज़ादी कैसे मिली इन सब देश को. लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव इन डिटेल. तो जो पर्सपेक्टिव है डीकोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन मतलब आप समझ ही गए होंगे, इसका सिंपल मतलब होता है इंडिपेंडेंस. सो देयर इज अ वेरी फेमस हिस्टोरियन, हिस्टोरियन नेम इज स्टीफन जेली. ओके, सो स्टीफन जेली, दिस पर्सन हैज रिटन अ बुक ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री. इन दिस बुक एस्पेक्ट्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री ही डिफाइंस दैट देयर आर थ्री प्रोसेस ऑफ द डिकोलोनाइजेशन. मतलब कोई भी देश पूरे वर्ल्ड में 20th सेंचुरी में जो आज़ादी मिली है उसके बेसिकली तीन प्रोसेस है और इसी तीन प्रोसेस से आज़ादी हमें मिलती है. द फर्स्ट प्रोसेस इज द इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, द पहला क्या है, इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब जो भी कंट्री है, वेदर इज अफ्रीका,
या फिर आपको साउथ अफ्रीका, नाइजेरिया, अल्जीरिया, आप साउथ अमेरिका में चले जाओ, वी हैव ब्राज़ील, है ना, वी हैव ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, है ना, एंड देन वी हैव चिले, दीज अदर कंट्रीज आर देयर, मैक्सिको आर देयर इन दिस साउथर्न अमेरिका। एशिया में आएंगे आपके पास इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब मेन मेन कंट्रीज है ना, कोरिया, दीज ऑल कंट्रीज पार्ट ऑफ कॉलोनियल एम्पायर। तो सबसे वाला प्रोसेस क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन जेली, द फर्स्ट प्रोसेस इज दैट देयर इज द इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया में महात्मा गांधी, इंटरनेशनल कांग्रेस, नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, दीज ऑल प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इफ यू गो टू द वियतनाम, हो ची मिन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो देर आर सम कंट्रीज वेयर एवरी वन हैड प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन देयर इंडिजिनस कंट्रीज। तो मतलब पहला पॉइंट क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से आज़ादी मिली, द ऑल द कंट्री बिकम इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। सेकेंड पॉइंट है UN Declaration on Human Rights and Self-Independence. This is the second point. How these all countries become independence? Is of this independence is liye bana kyunki United Nation was founded after the World War II, you know na, that in the October 1945 United Nation was founded. Aur United Nation ka sabse bade objective kya hai? Independence, democracy and then human rights. तो जब यूनाइटेड नेशंस का वर्क है, इनकी एम है टू मेंटेन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस, द पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी मेंटेन अंडर कॉलोनियल गवर्नमेंट बिकॉज कॉलोनियल गवर्नमेंट्स आर एक्सप्लॉयटेटिव एंड आर्बिट्री इन नेचर। इनका मेन मकसद होता है किसी को एक्सप्लॉयट करना ही। तो सिंपल है, सैट द कॉलोनियल रूल वॉज अगेंस्ट द वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया एंड द नेचर ऑफ द foundation of United Nations organization. Simple. So United Nations have declared that there should be the decolonization process. Every country who have colonized any region of the world should decolonize that process. Simple tha. The United Nations ka bahut pressure aana shuru hua. Then third theme hai jo ye mante Stephen Jaylee, wo hai pressure from the superpower. Aap jante hain ki World War II se pehle superpower mein kaun aate the? France, ब्रिटेन, जर्मनी वर द सुपर पावर बिफोर द वर्ल्ड वार टू। बट वंस वर्ल्ड वार टू हैपन, आपको जानते हैं दैट ब्रिटेन एंड फ्रांस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैड बीन डिस्ट्रॉयड, इनका इकोनॉमिक बैलेंस बहुत बिगड़ गया था, दे कुड नॉट रिमेन एज अ सुपर पावर आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार टू। एक नई दो पावर इमर्ज हुई थी इसके बाद, क्या नाम था नई दो पावर का, USSR एंड USA वर द न्यू टू पावर इमर्ज आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। डू नो वाट हैपन आफ्टर दिस वन, वंस दिस टू पावर इमर्ज, दिस टू कंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट USSR प्लस USA, हैड नो लार्जर कॉलोनियल इंटरेस्ट, इनकी उतनी कॉलोनी नहीं थी। So these people will never tolerate that other country who is inferior than US and USSR should have colonial power. जैसे डच है, फ्रेंच है, पोर्टुगीज है, इन सब छोटे छोटे देश के पास क्या था, कॉलोनी थी। सो इन लोगों ने प्रेशराइज किया, स्पेशली USSR had pressurized to liberate the colonies from the colonial rule, और USA ने बात किया democracy should be there in the these countries, तो democracy की बात करना शुरू किया। So this is the way the USA and USSR had pressurized these all countries to get and to make themselves independence, इनसे यहाँ पे इन सब में आज़ादी मिलनी शुरू होती है। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझने की ज़रूरत है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, है ना, ये कोई कंसेप्ट, अदर कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ यू कैन कमेंट ऑन द यूट्यूब लिंक, आई विल बी हैप्पीली टू रिप्लाई योर कमेंट। कोई भी डाउट हो इस प्रोसेस में तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम समझते हैं ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर कॉल्ड डीकोलोनाइजेशन एंड लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल। दिस चैप्टर हैज हाउ मेनी थीम्स, और कौन कौन से थीम्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर history optional examination and on which questions have been repeatedly asked. Okay, so you can see on this board that there are five themes are mentioned. Basically, इस five themes में भी UPSC optional में examination में questions पूछे जाते हैं। पहला है what is decolonization, meaning पूछता है, decolonization क्या होता है, इसके negative positive impact क्या है, क्या नहीं है, इस पर सवाल exams में आते रहते हैं decolonization। The second we have Africa,
The questions have been asked that how African countries become independence. कभी सवाल पूरे अफ्रीका पे आता है, कभी साउथ अफ्रीका पे आता है, अपार्थाइड मूवमेंट पे आता है. Sometime question can come on Nigeria, sometime on Ghana. These are the three countries very important from Africa. I'm talking about South Africa, Ghana and Algeria are the very important country in which questions have been repeatedly asked in the UPSC history optional examination from the 1980s onward. दूसरी है हमारे पास लैटिन अमेरिका. लैटिन अमेरिका में भी सवाल पूछते रहते हैं दैट लैटिन अमेरिका से ब्राज़ील, चिले हो गया, मैक्सिको हो गया, इन सब कंट्रीज़ पे बहुत सारे सवाल आते हैं. देन वी हैव साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया में एक तो इंडो चाइना रीजन है, म्यांमार है, देन वी हैव इंडोनेशिया, देन वी हैव वियतनाम, देन वी हैव कोरिया. ऑन दीज ऑल क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. देन द नेक्स्ट इज द अरब नेशनलिज्म. अरब नेशनलिज्म का मतलब होता है after the world war one, you know now that the Turkish empire had been destroyed and new empire were kept, the new country came into existence in arab nation. Arab ka matlab hota hai the country that speaks arabic language and this is especially nearby the saudi arabia middle east. So arab nationalism mein two continent ke desh aate hain. One continent will be the northern part of africa, for example nigeria and egypt, and then some parts of western asia will be the part of arab nationalism. To yahan pe isme countries mein aapko saudi arabia ho gaya, uae ho gaya, egypt ho gaya, nigeria ho gaya, then israel, palestine, okay, iran, iraq, these all country come into arab nations. So we will discuss in detail in the arab nationalism. So what I am planning to do that I will make a separate 5 videos to discuss this topic of decolonization and the liberation from the colonial rule. ये पांच टॉपिक में क्या होगा, ये हमारा पहला वीडियो है. दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो. इन दिस फर्स्ट वीडियो बेसिकली वी हैव डिस्कस व्हाट इज डिकोलोनाइजेशन, क्या प्रोसेस हुआ, इस पर कितने क्वेश्चन आए हैं. तो ये आज हमारा पहला थीम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डिकोलोनाइजेशन. दूसरे दिन वाले वीडियो में हर हफ्ते एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, एक अफ्रीका डिस्कस कर लेंगे, अफ्रीका कैसे आज़ाद हुआ, लैटिन अमरीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड अरब नेशन में कैसे आज़ादी मिली, एंड व्हाट इज दिस अरब नेशनलिज्म. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियोज एंड विल पुट इट हियर. ओके, अब हम समझते हैं कि एक दो क्वेश्चन आया है उसको डिस्कस कर लेते हैं. डिकोलोनाइजेशन वाले फर्स्ट थीम से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ठीक है स्टूडेंट. तो एक क्वेश्चन है, आई यू कैन सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज दैट राइट अ क्रिटिकल नोट, है ना. क्वेश्चन इज राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन एक्सेलेरेटेड बाई द सेकेंड वर्ल्ड वार. 1988 में सवाल आया था. इस सवाल में क्वेश्चन हम डिफाइन करेंगे, द सेकेंड वर्ल्ड वार मार्क द इमर्जेंस ऑफ न्यूमरस सेवरल नेशंस इन एशिया, अफ्रीका एंड कैरिबियन. इट ऑल्सो विटनेस द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन फ्रॉम द कॉलोनियल रूल आफ्टर इंडिपेंडेंस. देर आफ्टर वी विल राइट अ डिफिनेशन फ्रॉम स्टीफन जेली. याद है स्टूडेंट, जो मैंने डिस्कस किया स्टीफन जेली का जो डिफिनेशन है, क्या डिफिनेशन है, दैट देयर आर थ्री वेज इन विच देयर आर थ्री फैक्टर्स ड्यू टू विच द डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस हैपन और ड्यू टू विच एवरी कंट्री बिकम इंडिपेंडेंस. पहला क्या था, लिबरेशन. द फर्स्ट वाज अ सेल्फ स्ट्रगल, सेल्फ इंडिजिनस सेल्फ स्ट्रगल. सेकेंड वाज अ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वाज अ सुपर पावर, मतलब यूएसए एंड यूएसएसआर वर द मेन रीजन. तीन रीजन थे, ये हम लिखेंगे. देन वी विल डिवाइड आवर आंसर इनटू टू पार्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट, निगेटिव एस्पेक्ट, है ना. इतना लिखे, आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार इंडिया एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन एज कॉलोनियल पावर्स वर वीकेंड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली. पहला पॉइंट होगा हमारा, कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड कैरिबियन अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सॉवरेन नेशंस. द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड नेशनल सॉवरेंटी गेन प्रोमिनेंस ऑन द इंटरनेशनल स्टेज विद द यूएन प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग द डिकोलोनाइजेशन थ्रू इट्स ट्रस्टीशिप काउंसिल. ये लिखेंगे. उसके बाद निगेटिव पॉइंट लिखेंगे. निगेटिव में पॉइंट क्या आएगा, राइज ऑफ अथॉरिटेरियन लीडर्स इमर्ज बाई दिस टाइम. डेमोक्रेसी नहीं आई, जैसे जुआन पेरोन and we have Augusto Pinochet is cited example while liberty and equality were compromised in these countries. In Africa, note highlights challenges such as ethnic conflicts, artificial state boundaries and the rise of dictatorship like Mobutu, Sisiko and Democratic Republic of Congo came into existence. Economic stagnation and the underdevelopment are noted in the many newly decolonized countries in the world. ते हम लिखेंगे और फिर हम कंक्लूज करेंगे, हमारा आंसर बहुत अच्छा से इसको बन सकता है, ठीक है. Let us see the other questions which had been asked in related to this topic. This question is, the decolonization led to the breakup of empires. Come in.
जो डिकोलोनाइजेशन क्या हुआ, एम्पायर टूट गया। कौन से एम्पायर की बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोमन एम्पायर पहला था, देन वी हैव ब्रिटिश एम्पायर, देन फ्रेंच एम्पायर। ये सारे एम्पायर जो है डिकोलोनाइजेशन से क्या हुआ, टूट गया। इसमें हम लिखेंगे यस, वी विल राइट आंसर लाइक दिस वन, दैट द प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन इनडीड कैटलाइज डिजोल्यूशन ऑफ एम्पायर्स अक्रॉस द ग्लोब। दिस वॉज लार्जली ड्राइवन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग वीकन स्टेट ऑफ इंपीरियल पावर्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, द राइज ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स एंड द इमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल रॉम्स इम्पेसाइज सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसमें हम चार पाँच पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, सेकंड, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन एंड एग्रीमेंट्स, यूएन की ट्रस्टीशिप काउंसिल है हमारे पास है, वीकनिंग द इंपीरियलिस्ट पावर, द चीफ इंपीरियलिस्ट पावर्स वर ऑलरेडी वीकन्ड बाय द वार, making it difficult for them to maintain control over their colonies. This coupled with the growing nationalist sentiments within the colonies accelerated the process of decolonization. उसके बाद UN role होगा और फिर resulting the independence of the different countries. So this increase in the number from the 76 nations were there in the 1946. The 1946 में मात्र 76 nation थे और just within a decade it became a 193 country. मतलब total world में 10 साल के अंदर, मतलब 1970 के आसपास पूरे वर्ल्ड में 191-93 देश हो गए थे, पहले कम देश थे। मतलब एवरी कंट्री बिकम टू बी इंडिपेंडेंट आफ्टर दिस टाइम। तो हम इस आंसर को आराम से लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, को भी कमेंट हो, को भी डाउट हो इसमें प्रोसेस में डिकोलोनाइजेशन क्या होता है, कैसे समझते हैं, यू कैन फील फ्री टू कमेंट ऑन द वीडियो। इन द नेक्स्ट डे आई विल ब्रिंग अदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक एंड आई टोल्ड यू दैट वी विल हैव अ 5 वीडियोज ऑन दिस टॉपिक। ये जो हमारा टॉपिक है डिकोलोनाइजेशन एंड द लिबरेशन फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, वी विल हैव 5 स्मॉल टॉपिक, है ना, 5 स्मॉल वीडियोज। एक वीडियो हमारा हो गया डिकोलोनाइजेशन, आज हम समझ लिए, दूसरा अफ्रीका, तीसरा लैटिन अमेरिका, चौथा साउथ ईस्ट एशिया एंड द फिफ्थ अरब नेशनलिज्म। वी विल डिस्कस ऑल दिस टॉपिक्स इन आवर लेक्चर्स। ओके, सो विल सी यू इन द अदर वीडियो। थैंक यू सो मच।